और सतर्क रहने की जरूरत है कि आप असली और नकली की आखिरकार पहचान कैसे करें, चले जानते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी के कई जिलों में नकली मावा की खेप पकड़ी जा रही है। दिवाली से पहले मिलावटखोर बाजारों में बड़ी मात्रा में नकली मावा खपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उधर खाद्य विभाग की टीम भी एक्शन में है। नर्मदापुरम में 300 किलो नकली मावा प्रशासन ने जब्त किया है। सागर में मिठाई बनाने के कारखाने में 2 क्विंटल से ज्यादा दूषित मावा मिला है। तो जबलपुर में मिठाई की दुकानों पर छापा मारा गया है। मिठाइयों और मावा में मिलावट पाए जाने पर यहां दुकानदारों को नोटिस थमाया गया है। उज्जैन में भी प्रशासन ने 300 किलो नकली मावा पकड़ा है। ऐसे में कई ग्राहक चिंता में हैं और वे मावा मिठाई खरीदने से कतरा रहे हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नकली मावा आपको बहुत बीमार कर सकता है और इंसान की जान भी ले सकता है। इसीलिए आपको बताएं कि नकली मावे की पहचान कैसे करें। मावे पर आयोडीन टिंचर की 2 बूंद डालें। मिलावटी मावे का रंग काला पड़ जाएगा, केसरिया रंग ही बना रहता है तो मावा में मिलावट नहीं है। मावा हल्के सफेद या पीले रंग का है तो वह मिलावटी हो सकता है। सूंघने पर मिलावटी मावे की खुशबू अजीब सी महसूस होती है। असली मावा की महक बहुत अच्छी होती है। हाथ में रगड़ने पर असली मावा घी छोड़ता है। चक्कर देखने पर असली मावे का स्वाद अच्छा लगता है। नकली होने पर यह कड़वा या अजीब स्वाद वाला लग सकता है। नकली मावा पानी में आसानी से नहीं घुलता है। इसके साथ सबसे बड़ी पहचान है कि नकली मावा रबड़ की तरह बढ़ता है, जबकि असली मावा दानेदार होता है। इसी तरह मिठाइयाँ खरीदते हुए भी आप बरामद ये नकली खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर मिलावटी मिठाई तैयार की जाती है और दीपावली जैसे त्योहारों में खपाया जाता है। इसी तरह जबलपुर के चेरीताल में एक मिठाई और नमकीन की दुकान में भी छापेमारी की गई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच के लिए सैंपल लिए गए, जिन्हें जाँच के लिए राजधानी भोपाल के लैब में भेजा जाएगा। दीपावली का त्योहार है और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार एक्टिव है। जिले में लगभग पिछले 10 दिनों से लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी टीम जा रही है और शहरी क्षेत्र में भी टीम जा रही है। अभी इस वक्त जो एक नमकीन फैक्ट्री में प्रशासन की टीम यहां मौजूद है और तमाम तरह के सैंपल्स यहां इन्होंने लिए हैं। ये लड्डू है, चाकोली है और तरह तरह की मिठाइयाँ जो है लगातार सैंपलिंग यहाँ ली जा रही है और कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जो लगता है कि जिनकी जाँच करानी है, तो उनको ये पैकिंग की कार्रवाई भी यहाँ आप देख सकते हैं कि चल रही है। दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान अक्सर मिलावटखोरी का ये धंधा जोर पकड़ लेता है। शासन प्रशासन की तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद इन पर पूरी तरह लगाम नहीं लगता, इसलिए जरूरी है कि आप खुद सावधान रहें। मिठाइयों की खरीदारी में शुद्धता की परख जरूर करें। टीम न्यूज स्टेट। भिंड में दिवाली पर्व को लेकर खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में खाद्य विभाग ने प्रसिद्ध दाऊजी मिष्ठान भंडार के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की है, जहां पर गंदगी और सड़े गले आइटम से मिठाइयां साथ ही अन्य खाने की वस्तुएं भी बनाई जा रही थी। और जिसके बाद आपको बता दें, सैंपलिंग कार्रवाई करते हुए यहां पर गोदाम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिठाई बनाने का यह गोदाम बिना लाइसेंस के चल रहा था। इतना ही नहीं, मानकों को ताक पर रखकर गोदाम में घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग किया जा रहा था। खाद्य विभाग की कार्रवाई से दूसरे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। तो हम लोगों ने छापामार कर रही थी हमारी टीम के द्वारा, तब देखा गया कि वहाँ बहुत गंदगी थी और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था और जो भी मिठाइयाँ भी थी वो अच्छी आशा नहीं रखी थी, उसी मिठाई को ढक्कर नहीं रखा था उनके द्वारा। तो हम लोगों ने सभी हमारी मानक अधिनियम के तहत अभी छह लोगों ने लिए वहाँ से, उसमें हमने मिठाइयों के नमूने, काजू कुशी का नमूना और घी के नमूने भी कलेक्ट किए हैं। हम भी नमूना लिया है, उसकी जाँच हो सके कि किस प्रकार की मिठाइयों बना रहे हैं। और उसके अलावा उनके पास खास लाइसेंस भी नहीं था, पहले तो बता रहे थे कि हम लोग कैटरिंग का काम करते हैं, छुपाया जा रहा था उनके द्वारा, लेकिन बाद में जब पता चला कि दाऊजी स्वीट्स की बतासा बाजार में स्थित है, उनका गोदाम का वहाँ मिठाई बनती है। तो इस त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों की वजह से ज्यादातर ग्राहकों ने अपना पारंपरिक टेस्ट भी बदल लिया है। इंदौर के बाजारों में देखा जा रहा है कि दूध मावा से बनी मिठाइयों के बदले लोग अब ड्राई फ्रूट्स से बनी हुई मिठाइयां ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट।
दिवाली मतलब खुशियाँ और इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा तो किया ही जाता है। जाहिर है मुंह मीठा मिठाई से ही होगा। यही वजह है कि दिवाली मिठाई के बिना अधूरी है। लेकिन दिवाली के दिन खरीदी गई आपकी मिठाई मिलावटी तो नहीं है, जिसे खाने से आपकी और आपके परिवार की सेहत बिगड़ जाए, क्योंकि इस त्योहारी सीजन में मिलावटी मावा से बनी मिठाइयाँ बाजारों में धड़ल्ले से खपाई जाती है, इसलिए सावधान रहिए। हालांकि कुछ ग्राहक मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयों को प्रेफर करने लगे हैं। इंदौर के बाजारों में दिवाली को लेकर मिठाई की दुकानों में दूध और मावा से बनी मिठाइयों के साथ ड्राई फ्रूट से तैयार की गई मिठाइयों की बिक्री जमकर हो रही है। मिठाई दुकानदारों का भी कहना है कि ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयों की मांग पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। ग्राहक मिलावटी मावा से बचने के लिए ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाइयां अधिक पसंद कर रहे हैं। दिवाली त्यौहार है वो आप समझो सदियों से हम मना रहे हैं, और मिठाई दिवाली मतलब मिठाई मतलब दिवाली है, मतलब लोग उत्साह होते हैं कि मिठाई खाने को मिलेगी। और अभी जो मिठाई चल रही है ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा चल रही है, जो लोग जो है मावे की मिलावट दूध मिलावट के कारण ड्राई फ्रूट पे ज़्यादा उत्सुक कर रहे हैं। बाहर विदेशों से लोग ड्राई फ्रूट की मिठाई लेने आ रहे हैं कि इंदौर छप्पन मार्केट से मिठाइयाँ हम जो है वहाँ से लेके आएंगे और ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ ही लेंगे। वक्त के साथ धीरे धीरे लोग मिलावटी मिठाइयों को लेकर सतर्क होते जा रहे हैं। यही वजह है कि दिवाली जैसे बड़े तीज त्योहारों में दूध और मावा से बनी मिठाइयों से ग्राहक दूरी बना रहे हैं, ताकि खुशियों के इस त्योहार में मिलावट उनके परिवार की सेहत न खराब करे। इंदौर से अविनाश वर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो त्योहारों का सीजन आते ही नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले माफियाओं का गिरोह भी सक्रिय हो जाता है। एमपी में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखते हैं। त्योहार और मिठाई एक दूसरे के साथ याद रहते हैं, लेकिन मिलावट ने इस मिठास में जहर घोल दिया है। मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले मिलावट खोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उज्जैन, नर्मदापुरम और सागर में मिलावटी मावा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बता दें कि इस साल 10 महीने में 120 क्विंटल से ज्यादा मावा जब्त किया गया है। ये आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में आप भी त्योहारों पर बाजार से बनी मिठाई खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। प्रदेश में नकली मावे की खपत भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसी के चलते खाद्य विभाग की टीम मिठाई के कारखानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और सैंपल के लिए नमूने भी ले रही है। बिल्कुल, जो कलेक्टर साहब के निर्देश पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इसी क्रम में हम लगातार सर्चिंग कर रहे थे कि कहां से आता है, और कुछ हमें सूचना भी मिली थी कि गुजरात से आता है। पहले भी हम इसको पकड़ चुके हैं और गुजरात से इस तरह की पैकिंग में आता है और इसको मिठाई के नाम पर ये दे देते हैं, जबकि बल्क पैकेट मिठाई का नहीं होता है। 20 किलो 25 किलो मिठाई का इस तरह का कोई पैकेट नहीं होता, और उसके आड़ में इसको ये लेके आते हैं, और ये मावा जो है इसको इन्होंने रिफाइंड वनस्पति से और पामोलिन ऑयल से और स्किम मिल्क पाउडर से मिलकर बनाया होता है। दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इसी के साथ एक और चीज में इजाफा होने लगता है, वो है नकली मावे का कारोबार। इसी कड़ी में उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड से 300 किलो नकली मावा पकड़ा गया है। व्यापारी का कहना है कि उसने मिठाई का ऑर्डर दिया था और ये मावा नहीं मिठाई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये मावा अहमदाबाद से उज्जैन लाया गया था और इसे अलग अलग मिठाई दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। विभाग ने सजगता बरतते हुए नकली मावे की खेप को पकड़ लिया और इसे तुरंत जब्त कर लिया। गुजरात से आ रहा था, ये गुजरात के बस से आता है, और आज सुबह जब मैं थोड़ा सा निकला था बस स्टैंड पे देखने के लिए 7:07 बजे, तो मुझे सूचना थी कि कहीं ग्वालियर से ऐसे कहीं मावा आ रहा है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ये एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा जज किया, और उसके पीछे जब सिटी लिंक पे पहुँचा तो वहाँ पे ये मुझे उतरता हुआ दिख गया मावा, और फिर हमने उसको थोड़ा सा सामने TI साहब को भी सूचित करके यहाँ।
दिवाली के त्योहार को देखते हुए अहमदाबाद से आया 300 किलो मावा प्रशासन ने जब्त किया। बताया जा रहा है कि ये माल भोपाल से बैतूल जिले में जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर नर्मदापुरम प्रशासन की टीम ने स्थानीय बस स्टैंड पर पहुंचकर मावे की बड़ी खेप को जब्त कर सैंपल की कार्रवाई की गई। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया और मावे की खेप को कोल्ड में रखवा दिया गया। प्रशासन को मुखबिर की सूचना पे ये सूचना प्राप्त हुई कि भोपाल से किसी बस के माध्यम से यहाँ पे संदिग्ध मावा जो है वो आ रहा है, तो उसके लिए प्रशासन क्योंकि त्योहार के मद्देनजर अपनी नजर रखे हुए है, तो आज फूड सेफ्टी द्वारा ये कार्रवाई की गई है। लगभग कितना मावा जब्त किया गया? लगभग 300 किलो मावा फूड सेफ्टी अधिकारी ने जब्त किया है, जिसे अभी सैंपल के तौर पर लिया गया है एवं कोल्ड स्टोरेज में रखवाया जा रहा है। दिवाली के ठीक पहले मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत प्रशासन बेहद सख्त रवैया अपनाता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में सागर के राहतगढ़ बस स्टैंड के पास प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की और बीकानेर मिष्ठान भंडार के कारखाने और शर्मा स्वीट्स पर प्रशासन ने छापेमारी कर 2 क्विंटल दूषित मावा, 3 घरेलू सिलेंडर और कुछ अन्य अनुचित सामग्री जब्त। जांच के दौरान पता लगा कि मावा में फंगस लगा हुआ था। इस दौरान मिठाइयों और चीजों के रखरखाव में भी कुछ अनियमितताएं देखी गईं। शर्मा स्वीट्स पर कार्रवाई की, उनके घर से करीब 2.5 से 3 क्विंटल फंगस का मावा जब्त किया है। उसका सैंपल भी मंगा के हमने मैंने जांच के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि फंगस लगी है और दुकान में भी काफी पुरानी मिठाइयाँ हमने फ्रीजर से जब्त की हैं, उनका भी हमने सैंपल बनवाया है और वहाँ पे रखरखाव की दुकान का सही नहीं था, घरेलू गैस सिलेंडर था। सूचना पर एक और प्रतिष्ठान का हमें जानकारी मिली कि बीकानेर वाला करके यहाँ स्वीट्स सर्विस शॉप संचालित है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कारखाना उन्होंने घर में ही खोल रखा है बिना किसी प्रिकॉशन के, फायर सेफ्टी के, बिना किसी एग्जॉस्ट के वहाँ पे बॉयलर और कुछ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं विभाग ने इन घटनाओं के मद्देनजर आम जनता से अपील की है कि वो मिठाई खरीदते समय उसकी शुद्धता की जांच जरूर करें, ताकि वो नकली मावे की मिठाई का सेवन करने से बच सके। टीम न्यूज स्टेट। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे बैतूल से। बड़ी खबर, बैतूल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मजदूरों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली आपको बता दें पलट गए।